सब गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हमारे पास आई है किया सेल्टॉस और एंड्रॉइड स्टीरियो जो लगा हुआ है वो है हमान का। ये जो है नॉर्मल स्टीरियो है ना, 232 जो भी है अपना सही लगा है स्टीरियो, ये भी स्टीरियो सही है। लेकिन हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, अभी ये सारी चीज़ों को हम लोग खोल देंगे एंड हम लोग इसमें 360 बर्ड व्यू कैमरे के साथ में मेगाट्रॉनिक्स यानी कि एप्ट्रॉन टेक्नोलॉजीज का ही ब्रांड है मेगाट्रॉनिक्स का एंड्रॉयड स्टीरियो सिस्टम एंड जो 360 बर्ड व्यू कैमरा जो कंप्लीट सेटअप आता है ना वो हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं। मेगाट्रॉनिक्स को इंस्टॉल करने का कारण ये है, 10 इंच इंस्टॉल करेंगे, इसमें 10:9 कन्वर्ट फ्रेम लगा हुआ है तो अपन फुल्ली 10 इंच इंस्टॉल करेंगे, 4+64 इंस्टॉल करेंगे। तो मेगाट्रॉनिक्स को लगाने का कारण ये है, देखिए ये कार जो है ना सेकेंड टॉप है ना, तो इसमें कैनवास लगा हुआ है, देखिए डोर वगैरह मैं अगर ओपन करता हूँ है ना, स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल वगैरह तो सारे ऐसे ही काम करेंगे जैसे अभी कर रहे हैं, एज इट इज वैसे ही काम करेगा। लेकिन मेगाट्रॉनिक्स को लगाने का कारण ये है कि ना उसमें कैनवास लगेगा, ना कुछ लगेगा, ना कोई OEM फीचर को हमको इसमें चालू करना है। तो एक ऐसा एंड्रॉयड प्लेयर आज हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं जो सबसे अच्छा हो, सुंदर हो, सस्ता हो, टिकाऊ हो और बेहतरीन काम करे। तो अपडेट करके अब इसको लगाते हैं। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों का काम स्टार्ट हो चुका है किया सेल्टॉस में, और 2-3 चीज़ जो है ना वो मैं आज आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। तो आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा कि अगर आपको ध्यान में रहे तो आफ्टर मार्केट जब इंस्टॉल करवाते हैं प्लेयर तो हम लोग उसको क्या करेंगे, जैक टू जैक इंस्टॉल करेंगे। ये देखिए ये जो है स्पीकर वायर के सारे कपलर हैं एंड ये जो है पावर केबल के कपलर हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट वायरिंग मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो है एंटीना वायर है, ये जो ओरिजिनल USB जो सॉकेट है ना वहाँ पर जो है ओरिजिनल USB सॉकेट उसका केबल है। तो 1, 2, 3, 4 चारों जैक टू जैक अपने हो चुके हैं। बाकी जो एक्सटर्नल माइक वगैरह रहता है उसका एक्स्ट्रा वायर रहता है एंड ये जो है GPS का एंटीना है। तो फ्रंट साइड का डोर पैनल हम लोगों ने खोल दिया है, आपकी भी कार का खोलना पड़ेगा अगर इंस्टॉल करवाना है तो, एंड इस साइड का भी डोर पैनल हमको खोलना पड़ेगा और दोनों जो मिरर हैं वो भी हम लोगों को खोलना पड़ेगा क्योंकि कैमरा जो है 360 कैमरा अगर आप इंस्टॉल करवाते हैं तो मिरर में सामने दोनों कैमरा लगेगा, एक फ्रंट साइड लगेगा एंड ये एक जो है बैक साइड लगेगा। तो बैक साइड का भी जो पैड है हम लोगों ने खोल के रख दिया है। उसके बाद इधर आते हैं, अगर आप आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाते हैं ना एंड्रॉयड स्टीरियो सिस्टम तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फेसिया है ये आप मैट फिनिश में मत लगवाइए, ये आप लगवाइए ग्लॉसी फिनिश में क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर ग्लॉसी मिलती है और अगर आप इसको मैट फिनिश में डलवाते हैं ना लुक उसका काफ़ी गंदा आता है। तो ग्लॉसी फ्रेम जो है आप डलवा लीजिएगा एंड अगर आप 9 इंच डलवा रहे हैं तो 9 इंच का एंड्रॉयड स्टीरियो लगवाइए, 9 इंच का फेसिया, जैसे कि ये 9 इंच एंड्रॉयड स्टीरियो है बट कन्वर्टिंग फ्रेम इसमें 10 इंच वाला लगा हुआ था, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो ये ना डालना पड़े ये कोशिश कीजिएगा आप। तो यहाँ पर ये 9 इंच का है, इसको हम लोगों ने हमान का देखिए स्टीरियो रिमूव कर दिया, इसको रख देते हैं साइड में। अब इसकी भी ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी क्योंकि हम इसको निकाल के रख देंगे एंड 10 इंच का मेगाट्रॉनिक्स का हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं एंड्रॉयड स्टीरियो एंड 360 बर्ड व्यू कैमरा। बने रहिए इस वीडियो में, हमारे साथ में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे काम करेंगी, क्या क्वालिटी देखने के लिए मिलेगी, मिलेगा आपको देखने के लिए इसी वीडियो में। तो बने रहिए, स्टे ट्यून्ड रहिए। जाते हैं बहुत साइड मिरर पर, यहां पर देखिए इसका जो व्हाइट कैप रहता है ना दोनों का खोल के यहां पर रिमूव किया है हम लोगों ने, ये देखिए यहां पर इसको बाहर हम लोगों ने निकाल दिया है एंड कोई सा भी जो लॉक है ना आपको इसमें टूटा हुआ नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा कि इसको हम लोगों ने बड़े प्यार मोहब्बत और आराम के साथ इसको खोला हुआ है। तो अगर आप भी कहीं इंस्टॉल करवाने अगर लेकर अपनी कार को जाते हैं ना तो इसको बोलिएगा आराम से खोलना आओ, तो सामने वाले बंदे को जब आप टाइम देंगे ना तो वो आराम से खोलेगा और जब वो आराम से खोलेगा तो ये फाइबर टूटेगा ही नहीं। फाइबर टूटता तब है जब हड़बड़ा के अपन खोलते हैं, तो आराम से खोला है और कोई लॉक डैमेज यहाँ पर नहीं हुआ है तो आराम से खुलवाइए। तो सारी चीज़ें खुल के अब फाइनली ओपन हो चुकी है और अब चलते हैं 360 बर्ड व्यू कैमरे को इंस्टॉल करने। निकालो भाई, आपकी किया सेल्टॉस से ना हम लोग को एक दिक्कत है, प्रॉब्लम है एक, वो प्रॉब्लम है यहाँ पर देखिए, एक होल करना पड़ेगा और एक वायर छिलना पड़ेगा, आपको पता नहीं, हाँ दिखाई तो दे रहा है, यहाँ देखिए ये इंडिकेटर का प्लस वायर एंड एक होल हम लोगों को 360 बर्ड व्यू कैमरे के लिए करना पड़ेगा जो कि एकदम बराबर हुआ है, एकदम फिनिशिंग से हुआ है। और इस वायर के बारे में आप बोलेंगे भाई वायर छिला क्यों, वो गुलाबी वाली जो पिंक वाली क्लिप आती थी वो कनेक्टर क्यों नहीं लगाया, भाई वो तो इससे ज़्यादा डेंजर है,
वो इससे ज्यादा डेंजर है। आपको कभी उसके लिए वीडियो बना के लेके आऊंगा, वो जो है ना वायरिंग को कट कर देता है। बल्कि इसको अगर मैं दोनों तरफ से ताकत लगा के एक तरफ लेके आऊंगा ना, तो दोनों ना फेविक्विक मारूंगा तो चिपक जाएगा, एज इट इज वैसे ही हो जाएगा, लेकिन वो तो डैमेज कर देता है। तो ये थी इसकी, समझ रहे हो ना आप, एक वायर छिलना पड़ेगा, एक होल करना पड़ेगा। बस फाइनली बहुत मेहनत के बाद सारी चीजें हम लोगों ने पैक कर दी हैं, और सारी चीजें पैक करने के बाद ये जो अपना एंड्रॉइड स्टीरियो सिस्टम है मेगाट्रॉनिक्स का, वो फाइनली जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके बारे में थोड़ा ऊपर ऊपर देख लेते हैं, उसके बाद अपन लोग चलेंगे क्या करने, इसका कैलिब्रेशन करने, उसके बाद कैलिब्रेटेड व्यू मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं, ये कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको मिलेगा। यहाँ पर जो स्क्रीन की साइज है वो मेंशन है, एंड ये जो है स्पीकर आउटपुट 4x50W MOSFET स्पीकर आउटपुट प्रोसेसर के साथ में आपको मिलेगा। डायनामिक इक्वलाइजर आपको मिलेगा, प्ले स्टोर तो रहता ही है। सुपर कैपेसिटिव टच आपको मिलेगा, ब्लूटूथ है जो कि अच्छी खासी रेंज आपको देता है, अल्ट्रा HD डिस्प्ले है, स्टेयरिंग व्हील कंट्रोल कनेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन मिररिंग भी कर सकते हैं, और साथ में एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले जो जेड लिंक के थ्रू कनेक्ट होता है वो भी इसमें दिया हुआ है। GPS, लोकेशन, वाईफाई, यहाँ पर ब्रांडिंग देख लीजिए, मेगाट्रॉनिक्स 12 मंथ वारंटी, यानी कि आपको ये जो है एक साल की वारंटी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी, है ना। मल्टीमीडिया प्लेयर विथ 360 DVR कैमरा, 360 कैमरा तो है ही, और साथ में आप इसको क्या कर सकते हैं, 4 एंगल में आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। अब MRP वगैरह दिखा देता हूं मैं आपको। तो अगर इसके पीछे मैं जैसे देखिए यहाँ पर ऐसा दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन है, अगर आपको रीड करना है तो कर लीजिए आप लोग। एंड जो इसकी MRP दिखा रही है वो 40,100 रुपीज़ एंड 12 मंथ की वारंटी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो कुछ इस तरीके का बॉक्स इसका आपका नजर आएगा, है ये एप्ट्रॉन टेक्नोलॉजीज़ का, और काफ़ी अच्छा ये प्लेयर है, मैंने कई बार इंस्टॉल किया है। ग्रैंड विटारा हो गई, किया सेल्टॉस हो गई, क्रेटा हो गई, स्विफ्ट डिजायर जिसमें कैनवस वैनवस का ताम झाम नहीं होता ना, उसमें कई बार मैं इंस्टॉल किया हूँ, बहुत अच्छा प्लेयर है। अब आ जाते हैं इसकी तरफ, तो इसकी तरफ यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का डिस्प्ले, और थीम वगैरह को भी आप लोग जो है इसका चेंज कर पाएंगे। वैसे 10 इंच लगाने का एक फायदा आपको देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही आप टच करोगे ना, ये क्या करता है, तुरंत काम करता है, स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें नो हैंग प्रॉब्लम नहीं है और नो लैग प्रॉब्लम, तो काफ़ी अच्छा स्टीरियो है। एंड अब मैं आपको नॉन कैलिब्रेटेड व्यू, आपको 360 बर्ड व्यू का दिखा देता हूँ अगर आपको इंस्टॉल करवाना है। तो यहाँ पर देखिए ये नॉन कैलिब्रेटेड व्यू है, अभी हम लोग जाने वाले हैं 360 कैमरा कैलिब्रेशन करने, उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा। 2D+3D का ऑप्शन आपको मिलता है, रिकॉर्डिंग आप यहाँ से चेक कर पाएंगे, देख पाएंगे, है ना, बहुत ही अच्छा है ये कैलिब्रेशन। वैसे अब हम लोग करने जाने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ में, और वहाँ जाने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा। चलिए आइए दोस्तों इक्वलाइजर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर 10 से 12 एंड का जो भी मैनुअल इक्वलाइजर आपको देखने के मिलता है। साउंड फील्ड में अगर आप जाते हैं तो आप अपनी सीट की पोजीशन के हिसाब से साउंड को सेट कर पाएंगे। लाउडनेस ऑन ऑफ का भी फीचर आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। एंटीना हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है, ऑटो सर्च RDS फीचर के साथ में आपको क्या होता है ये स्टीरियो सिस्टम मिलता है। ऑटो सर्च है एंड रेडियो डेटा सर्विस भी है इसमें, है ना, ऑटोमेटिक ये सर्च कर लेगा और चलने में कोई दिक्कत नहीं है। ऑटोमेटिक जैसे कि देखिए सेट करते जा रहा है 94.3, 95.0, 98.3, है ना, 91.6, ऐसा ये सेट करते हुए जा रहा है। एंड इसका जो मेन चीज़ है यहाँ पर एक जो USB सॉकेट लगा हुआ है, ये इसका कार का ओरिजिनल USB सॉकेट है। इसको हम लोगों ने क्या किया है, प्लेयर के थ्रू कनेक्ट कर दिया है, इससे जो है इसको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है। एंड जो दूसरा USB जो सॉकेट है उसको हम लोग यहाँ पर ग्लो बॉक्स में निकालने वाले हैं, ताकि 360 या DVR अगर आप रिकॉर्ड करना चाहे 360 कैमरे को, तो वो रिकॉर्डिंग जो है इस केबल से होगी जो यहाँ पर हम लोग निकालने वाले हैं। एक्सटर्नल माइक आपको देखने के लिए मिलता है, एक्सटर्नल माइक जो है यहाँ पर हम लोगों ने फिक्स किया हुआ है, ताकि वो बाहर से लटके झटके जैसा दिखे मत, तो वहां से वॉइस जो है चली जाएगी। एक माइक और आपको देखने के लिए मिलता है जो कि यहाँ पर है, यहाँ पर MIC लिखा होगा, देखिए आप लोग, एक माइक यहाँ पर है और उसके जस्ट नीचे सेटिंग वगैरह छिड़ जाए तो रीस्टार्ट का बटन है, है ना, रीस्टार्ट आप लोग कर सकते हैं, रीसेट बटन तो नहीं है वो मेरे ख्याल से। ब्लूटूथ वगैरह सारी चीजें काम करेंगी। जेड लिंक का ऑप्शन दिया हुआ है, जेड लिंक 5 है इसमें, है ना, तो इसमें क्या है एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले जो है कनेक्ट कर पाएंगे। कैनवस वगैरह होता तो प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करता है ना, और कैनवस तो इसमें हम लोगों ने लगाया नहीं है, तो कैनवस लगाने का कोई मतलब नहीं क्योंकि इस कार में कैनवस की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए चलते हैं अब इसका कैलिब्रेशन करने। एंड्रॉइड स्टीरियो तो अपना फाइनली लग चुका है एंड उसके बाद आपको मैं आपको दिखा दूंगा इसका प्रॉपर कैलिब्रेटेड व्यू, किस तरीके से इसका प्रॉपर कैलिब्रेटेड व्यू आएगा। तो बने रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को। इस फाइनली हम लोग आ चुके हैं कैलिब्रेशन करने। यहाँ पर आप लोग देखिए किया सेल्टॉस हमारे सामने है एंड कैलिब्रेशन क्लॉथ प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने प्लेस कर दिया है, वहाँ प्लेस किया है जहाँ प्लेस
होना चाहिए कैलिब्रेशन क्लॉथ। और आपको मैं अब कैमरा दिखा देता हूँ, कैमरे की प्लेसमेंट किस तरीके से हुई है, कहाँ कहाँ कैमरा हम लोगों ने प्लेस किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, ये है राइट साइड का कैमरा जो कि मिरर के जस्ट नीचे है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और यहाँ से ये साइड वाले व्यू को कैप्चर करेगा। अब चलते हैं पीछे की तरफ, पीछे साइड का कैमरा मैं आपको दिखा देता हूँ। बैक साइड का कैमरा जो है, इसमें ऑलरेडी एक कैमरा लगा हुआ था, तो उस कैमरे को हम लोगों ने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है। यहाँ पर देख सकते हैं वाला कैमरा यहाँ जस्ट बाजू में लगा हुआ है, ये बैक साइड के व्यू को जो है कैप्चर करेगा। एंड पीछे साइड भी कैलिब्रेशन क्लॉथ हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से प्लेस कर दिया है। लेफ्ट साइड के कैमरे की अगर मैं बात करूँ, तो लेफ्ट साइड का कैमरा भी जस्ट हम लोगों ने मिरर को जस्ट नीचे, मिरर के नीचे इंस्टॉल कर दिया है, एंड ये साइड वाले व्यू को कैप्चर करेगा। और फ्रंट साइड का कैमरा तो हर बार मैं बोलता हूँ कार के लोगों के नीचे होना चाहिए, ठीक उसी तरह आज भी हम लोगों ने फ्रंट साइड के कैमरे को कार के लोगों के जस्ट सेंटर में इंस्टॉल कर दिया है। सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो चुकी है, और जो कैमरे का जो कैलिब्रेशन है वो अब मेरे ख्याल से हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं कार के अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैलिब्रेशन होने के बाद किस तरीके से कैमरे का व्यू आएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेट में कैलिब्रेट जो है हो चुका है, फ्रंट साइड का, बैक साइड का, ये लेफ्ट साइड का, एंड ये हो गया राइट साइड का। आना है बैक, यहाँ से बैक 3D मोड अभी ऑन है, 3D मोड ये जो है आप देख पा रहे हैं बैक फ्रंट साइड का। एंड यहाँ पर से देखिए बैक साइड का, लेफ्ट साइड का, राइट साइड का, दोनों टायर का पैनारोमिक व्यू, स्क्वायर में व्यू, 3D राउंड में यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। कार को हम लोग अभी SUV कर देंगे, एंड जो सर्कल कलर जो चेंज हो रहा है उसको भी हम लोग ऑफ कर देंगे। यहाँ पर देखिए साइड का, टायर का, दोनों टायर का पैनारोमिक व्यू, यहाँ से स्क्वायर में व्यू, अगर इसको डबल क्लिक करते हैं तो बैक साइड का, फिर आ जाएगा फ्रंट साइड का। यहाँ जाना है पर्सनलाइज सेटिंग में जाना है, कार कलर व्हाइट ही रहने देंगे, एंड जो माई कार है उसको अपन कर देंगे SUV। ट्रैक जो है आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं, लेकिन बदलने की ज़रूरत नहीं है, बैक ट्रैक डिफ़ॉल्ट में जो रहता है वो सही रहता है। एंड यहाँ पर जाना है व्यू सेटिंग में जाना है, नीचे वाले ऑप्शन को अगर आप बंद करेंगे तो कार का जो कलर है ना वो चेंज होना जो है बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर कार का कलर जो है चेंज होना बंद हो गया है, ये इसका 3D मोड आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ से अगर आप इसको डबल क्लिक करते हैं तो स्क्वायर में व्यू आएगा, लेकिन मैं इसको डिफ़ॉल्ट में ऐसा कुछ सेट करके रखता हूँ ब्लाइंड जोन में। बारीकी से देखना है, डबल क्लिक करिए बिग स्क्वायर में व्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना स्मूथ है ये कैमरा, यहाँ पर देखिए 2D प्लस 3D रिकॉर्ड अगर आपको करना है तो यहाँ पर 4 एंगल में रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। रिकॉर्डिंग का सारा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा। मेरे ख्याल से मैं आपको DVR सेटिंग में जाके रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ, अभी रिकॉर्ड नहीं होगा, USB पेन ड्राइव हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा। फाइनली गाइस, किया सेल्टॉस का काम जो है कंप्लीट हो चुका है, एंड अब मैं जो है इसका अब रनिंग कंडीशन में व्यू दिखाने वाला हूँ। तो हम लोग अब रनिंग कंडीशन में जो इसका व्यू है वो देखने वाले हैं, बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ में। तो गाड़ी यहाँ पर बैक हो रही है, उसके बाद रनिंग कंडीशन में व्यू दिखा दूंगा, फिर वीडियो हो जाएगी एंड। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कार के अंदर और दिखाता हूं आपको रनिंग कंडीशन में व्यू।